भारत और चीन के बीच तनावपूर्ण हालात हैं। दोनों देश भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से गुजरती हुई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर ठने बने हैं। कुछ सैनिक शहीद भी हुए हैं, लेकिन इन खबरों के बीच ये जानना समझना भी ज़रूरी है कि जिस LAC की बात हो रही है वो है क्या। आज आसान भाषा में हम ये जानेंगे कि भारत चीन के बीच मौजूद LAC, भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूद LOC और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी बॉर्डर के बीच क्या अंतर है, मेरे यानी प्रतीक्षा के साथ। सबसे पहले बॉर्डर। हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं, मतलब दो देशों के बीच की वो लाइन जिस पर दोनों देश और तमाम अंतर्राष्ट्रीय संगठन सहमत होते हैं, उसे बॉर्डर कहते हैं। इस लाइन पर खड़े होकर हाथ फैलाइए, एक हाथ एक देश में तो एक हाथ दूसरे देश में। भारत का बॉर्डर कैसा है? देश का जो नक्शा आपको हर जगह दिखता है, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पूरा हिस्सा है, वो बॉर्डर है। यूपी और बिहार से सटी हुई नेपाल की लाइन है, वो भारत का बॉर्डर है। भूटान और असम के बीच जो लाइन है वो भारत का बॉर्डर है। पश्चिम बंगाल और असम से सटी हुई बांग्लादेश की जो लाइन है वो भी भारत का बॉर्डर है। ये भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किन किन देशों से लगती है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, तिब्बत, भूटान, बर्मा, बांग्लादेश और श्रीलंका। अब अगर दो देशों के बीच मामला शांतिपूर्ण हो तो मामला इंटरनेशनल बॉर्डर पर ही शांत रहता है, लेकिन जब दो देश किसी संघर्ष की स्थिति में हो तो मामला बॉर्डर पर नहीं टिकता, बात आ जाती है LOC और LAC पर। सबसे पहले LOC क्या है? LOC भारत और पाकिस्तान के बीच 740 किलोमीटर की लंबाई में फैली एक युद्ध विराम लाइन है। ये दोनों देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, ये वो लाइन है जिस पर दोनों देशों ने युद्ध लड़ना रोक दिया है। ये जम्मू के अखनूर सेक्टर से लेकर पॉइंट NJ 9842 तक फैला हुआ है। इसकी कहानी क्या है? भारत और पाकिस्तान, बहुत लड़ाइयाँ और लंबी मुठभेड़ हो चुकी हैं, छिटपुट तो अब भी जारी है। साल 1947 में देश का विभाजन हुआ, पाकिस्तान बना। पाकिस्तान बनने के कुछ ही दिनों बाद 1948 में पाकिस्तानी सेना जम्मू कश्मीर में घुस आई। जम्मू कश्मीर के राजा स्वतंत्र रहना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर युद्ध थोप दिया। कबायली लड़ाकों के साथ पाकिस्तानी सेना जम्मू कश्मीर में बहुत भीतर तक चली आई। राजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। भारत ने हरि सिंह को भारत संघ में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। हरि सिंह मान गए और भारत में विलय स्वीकार कर लिया। इसके बाद जम्मू कश्मीर भारत का अंग हो गया और इस नाते से जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान का आक्रमण भारत पर आक्रमण बन गया। सेना तुरंत हवाई रास्ते से कश्मीर भेजी गई, जिसके बाद युद्ध हुआ। भारतीय सेना ने श्रीनगर बचा लिया, काफ़ी इलाकों से पाकिस्तानी सैनिकों को पीछे धकेला, लेकिन तब तक दिसंबर की ठंड आ गई थी जो अपने साथ बर्फबारी लाई। दोनों देशों की सेनाएं अपने अपने मोर्चों पर जम गईं। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम हुआ। तब दोनों सेनाएं एक लंबे मोर्चे पर एक दूसरे के सामने थीं। यथास्थिति बनाए रखने के लिए इसी मोर्चे को सीज फायर लाइन के तौर पर स्वीकार किया गया। 1972 के शिमला समझौते में दोनों ही देश इस लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल कहने पर राजी हो गए। यही है LOC। अब बात LAC की। भारत और चीन के बीच में जो नियंत्रण रेखा है उसे कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC। भारत के लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल और सिक्किम से होती हुई LAC गुजरती है। LOC की ही तरह LAC भी दोनों देशों का बॉर्डर नहीं है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद है, माने हमारे हिसाब से सीमा कहीं और है और चीन के हिसाब से कहीं और। मोटा हिसाब यह है कि अंग्रेजों ने जो समझौते तिब्बत से किए थे उन्हें चीन नहीं मानता। भारत का कहना है कि अंग्रेजों के जाने के बाद उतना इलाका भारत कहलाएगा जो ब्रिटिश राज अपनी सीमा में दिखाता है, लेकिन चीन के साथ सीमा को जमीन पर चिन्हित नहीं किया गया। कोई बाढ़ या पत्थर नहीं थे, इसलिए दोनों देशों की सेनाएं अपनी अपनी क्षमताओं में इलाके की निगरानी करती थी। भारत और तिब्बत के बीच आधिकारिक रूप से सीमा तय हुई साल 1914 में शिमला में। टेबल पर थे भारत, जो उस वक्त ब्रिटिश इंडिया था, तिब्बत और चीन। भारत में ब्रिटेन के विदेश सचिव ने कागज़ पर एक लकीर खींचकर नक्शा बनाया था, उन्हीं के नाम पर इस सीमा को मैकमहोन लाइन कहा जाता है। आधिकारिक रूप से ही भारत की सीमा है ये, जो हम भारत के नक्शे में देखते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। चीन में 1947 की माओ की अगुवाई में क्रांति हुई, कम्युनिस्टों की सत्ता आई और इसके बाद चीन ने साम्राज्यवाद की नीति से तिब्बत पर कब्जा करना शुरू कर दिया।
क्रांति के बाद पार्टी ने चीन में कई बड़े बदलाव किए। भारत और चीन के बीच जो 1914 में मैकमहोन लाइन खींची गई थी उस पर भी आपत्ति जताई गई। उस वक्त देश के प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई वाले नारे से मामला दोस्ती की तरफ बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन चीन ने दगाबाजी कर दी। 1962 में भारत पर हमला कर दिया। भारत युद्ध के लिए तैयार नहीं था, चीन के मुकाबले कमजोर भी था, इसलिए बैकफुट पर आना पड़ा। चीन ने भारत के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। युद्धबंदी के बाद जिस सेना का जहां कब्जा था वही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC हुई। तो मैकमहोन लाइन पीछे छूट गई और नया शब्द आ गया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। काराकोरम से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारत और चीन की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तीन हिस्सों में बटी है। एक हिस्सा लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड से लगता है, बीच वाला हिस्सा सिक्किम से लगता है और तीसरा अरुणाचल से लगता है। भारत के मुताबिक कुल लंबाई 3488 किलोमीटर। चीन इसे भी नहीं मानता, कहता है कि LAC 2000 किलोमीटर ही लंबी है और इसी बात का झगड़ा है। कैसे है फिर से आइए लद्दाख वाले इलाके में। मैप में आप एक भारत चीन सीमा देख रहे हैं और एक लद्दाख के बीच से जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं, ये डॉटेड रेखा ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। इस डॉटेड लाइन और असली अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बीच का एरिया करीब 38,000 वर्ग किलोमीटर है, अक्साई चिन वाला एरिया कहा जाता है, अभी चीन के कब्जे में है। इसी तरह पूरी सीमा को लेकर चीन के हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल तक दावे हैं। चूंकि नक्शे पर दोनों तरफ से सहमति नहीं है, दोनों तरफ की फौज के बीच इतने समय में एक सहमति ने आकार लिया है कि आप इतने इलाके में निगरानी करते रहें, हम इतने इलाके में करते रहेंगे। भारत सरकार और चीन के बीच 90 के दशक से कुछ समझौते हुए हैं जिनके तहत दोनों देश LAC पर अपने सैनिक तैनात रखते हैं, लेकिन सीधे संघर्ष से बचते हुए। ये बातें आपको LAC का जनरल आइडिया देती हैं। LAC की असल कहानी इससे कहीं ज़्यादा पेचीदा है। LAC और LOC दोनों अस्थायी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन LOC आज भी एक मोर्चा है जहां दोनों तरफ से सेनाओं में संघर्ष होता रहा है। LAC कमोबेश शांत रहती है, यहां होने वाले विवादों में बात मारपीट तक सीमित रहती है। गलवान वैली में 1962 के बाद सीधे 2020 में खूनी संघर्ष हुआ है जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए। ये डिस्प्यूट दोनों देशों के लिए क्या बदलाव लेकर आता है, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। हम तो बस प्रार्थना कर सकते हैं शहीदों के परिवारों के लिए और अपने देश की शांति के लिए। अगली बार किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे आसान भाषा में। ये जानकारी आपके लिए लेकर आए थे सिद्धांत और निखिल। मेरा नाम प्रतीक्षा है, शुक्रिया।